ये कहानी है बॉडी बिल्डर अमित पंघाल की, जिसने एक दिन में 100 किलोमीटर दौड़ने की ठान ली थी। ज्यादा कोई कार्डियो मेरा शौक नहीं था, ऐसा कोई मैं ज्यादा रनिंग नहीं करता था। कैथल हाईवे रोड है, अंबाला कैथल हिसार, जिसे स्टार्टिंग पॉइंट अंबाला से कर दिया है और अब शुरू हो गया। 100 किलोमीटर, यह सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर तो नहीं सकते, इससे नहीं बनेगी बात। काटना रेनकोट पहना मुझे, रुकेंगे नहीं उस्ताद, चकदा फटन नपते गिल्ली। तोड़ने के लिए उसे बारिश, कड़ी धूप, टूटता हुआ शरीर भी पहुंच आए थे। तो हमेशा जब भी आप थके, अपने आप से हमेशा कहना है मैं करूंगा और मुझसे होगा। छाले हो गए, चुराव चेंज कर लूं। रत्मा को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। वो मगर मस्त मौज में निकल पड़ा था इतिहास रचने। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर था, कुछ भी नहीं। वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है, दोनों पैरों में मोटे मोटे छाले हो गए। उस्ताद करते गए। कोई कहता है कि मैं इस हीरो का फैन हूँ, मैं इस हीरो का फैन हूँ, दुनिया में अगर किसी का फैन हूँ मैं अपने पिताजी का। ये ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी को। लेकिन 6 घंटे में 40 किलोमीटर कर दिया। सही चल रहे हैं। थक चुका था पूरी तरह, बहुत पैरों में दर्द था। मतलब थक गया था। 20-25 किलोमीटर थकान होने शुरू हो गई। बस दिमाग से लड़ता रहा कि भाई तुझे करना है, तुझे करना है, तुझे करना है। जिंदगी में पहली बार 100 किलोमीटर कर रहा हूँ, जोर तो पड़ेगा। शरीर तो बहुत पहले ही जवाब दे गया था। 50 किलोमीटर करोगे ना, इतने मोटे मोटे छाले हो जाएंगे पैर में, और भागोगे ना। लड़ाई तो सिर्फ दिमाग के साथ की थी। यहां से करेक्ट 20 किलोमीटर बचा है। कपड़े बिल्कुल गीले हो गए, पसीने में तर हो गए, चेंज कर दिए, और टी शर्ट भी लास्ट में। 100 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, पीछे मुड़ के देखा। तो अपने आप को देखने का नजरिया बदल गया। ये आखिरी 22 घंटे कोई मैराथन नहीं थी, ना ही कोई समय की रेस। ये उस संघर्ष की प्रतिछवि है, एक तैनात जवान और खेत के किसान की।